Audio Jump. दतिया जिले के भांडेर में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने कार से बालक के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन बच्चे ने बहादुरी से बदमाशों का सामना किया और उसके बाद उन्हें चकमा देकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां उसने पूरी घटना को पुलिस अधिकारियों के सामने बताया है। नकाबपोश बदमाशों द्वारा भांडेर क्षेत्र के सीटोला मोहल्ला से कोचिंग पढ़ाने जा रहे एक 14 वर्षीय बालक शिवम सेन पुत्र चरणा दास का चार पहिया वाहन बोलेरो गाड़ी में डालकर अपहरण किया गया है। बालक को बोलेरो गाड़ी में हाथ पैर बांधकर एवं मुंह पर पट्टी बांधकर रखा गया था। बोलेरो गाड़ी में अपहरण बालक को बसवा रोड के पास होश आया था और उसने अपने प्रयास से मुख में बंधी पट्टी खोली और गाड़ी में ही बेहोश होने का नाटक किया। शिवम सेन ने सूझबूझ से बदमाशों को चकमा देकर गाड़ी से निकाला और भाग आया। भागने पर बदमाशों ने बालक का कुछ दूर तक पीछा करने का प्रयास किया। इसके बाद बालक भागते भागते सीधा सिविल लाइन थाने पहुंचा, जहां उसने सिविल लाइन TI राजू रजक को अपने साथ हुई घटना का पूरा ब्यौरा दिया। दतिया से भूपेंद्र परिहार की रिपोर्ट।